एक अप्रैल के शाम को आने की सूचना प्राप्त हुई है। शाम में आएंगे और रात्रि विश्राम पटना में करेंगे और सवेरे यहाँ से दोनों कार्यक्रम को देखेंगे। नीतीश कुमार अपमानित करने का काम करते हैं, ये मैं खुली चुनौती देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे थे। आपको बता दें कि सासाराम और नवादा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होने के लिए आ रहे थे। ऐसे में उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ है और इसकी जानकारी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दे रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चार्ज होंगे और लोकसभा की पूरी तैयारी भी हम शुरुआत करेंगे। लेकिन कुछ फिर बदल की भी सूचना मिली है, अभी सुरक्षा को लेकर के भी यहाँ पर लोग आए थे, कहा जा रहा है कि अभी 1 अप्रैल को ही वो बिहार आ जाएंगे। नहीं, 1 अप्रैल के शाम को आने की सूचना प्राप्त हुई है। शाम में आएंगे और रात्रि विश्राम पटना में करेंगे और सवेरे यहाँ से दोनों कार्यक्रम को देखेंगे। पार्टी कार्यालय में भी कोई बैठक है उनकी पार्टी के नेताओं के साथ? अभी तय नहीं हुआ, बैठक जैसे ही तय होगी तो आपको सूचना। नीतीश कुमार ने कहा काम हम लोग करते हैं और दिल्ली से कुछ लोग आते हैं और क्रेडिट ले जाते हैं। किस चीज का? कोई भी काम अगर करते हैं तो उसका क्रेडिट दिल्ली वाले आते हैं और ले जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी को तो पता भी नहीं होगा कि सम्राट अशोक के बारे में कोई कार्यक्रम बिहार सरकार चला रही है। नीतीश कुमार जी को मैं खुली चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से, नीतीश कुमार जी बताएं कि सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल से लेकर सम्राट अशोक के हॉल जो सभी नगर निकाय में बनाएगा, उनको पता भी था क्या? वो तो नाम बदलना चाहते थे इसका, और जब मैं हटा उनसे तो उन्होंने तो उसमें बापू सभागार, उसमें ज्ञान भवन कर ही दिया। नीतीश कुमार अपमानित करने का काम करते हैं, ये मैं खुली चुनौती देता हूँ। राहुल गांधी को पटना से भी जो है नोटिस जारी किया गया है, समन जारी किया गया। देखिए, वो न्यायालय तय करेगा, यदि पूरे मोदी समाज को गाली देने का काम पिछड़ा का बेटा यदि देश का प्रधानमंत्री बना और उसके बाद राहुल गांधी इस तरह का बयान दे रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी है कि अमित शाह अब 1 अप्रैल को पटना पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम वो पटना में करेंगे। साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को लेकर भी बयान दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने खुली चुनौती भी दी है। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।